हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय होने का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसा माना जाता है भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं आती। पूजा करने के दौरान गणपति को विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। आज हम आपको ऐसी वस्तुएं बताने जा रहे हैं जो भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है, लेकिन भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, उन्हें तुलसी अर्पित करना निषेध है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आइए पहले जानते हैं भगवान गणेश को क्या प्रिय है। भगवान गणेश को लड्डू या मोदक अत्यंत प्रिय है। मोदक कई तरह के होते हैं। मोदक के अलावा गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी पसंद है। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि विनायक को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। दुर्वा चढ़ाने से गणपति जी प्रसन्न होते हैं। लंबोदर को केले भी बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को कभी भी एक केला अर्पित नहीं करना चाहिए। गणेश को हमेशा केले जोड़ों में चढ़ाने चाहिए। और इसके अलावा भगवान गणेश को लगभग सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु, राम और कृष्ण को तुलसी जी का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। परंतु गणेश जी के भोग में तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। गणेश जी को तुलसी का भोग लगाने से भगवान नाराज हो जाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पुराणों में बताया गया है कि एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में परिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसी प्रकार और रोचक जानकारियों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।